मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सक्षम, आप देख रहे हो जम्मू साइकिल राइडर्स चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइसाइकिल को सर्विस कैसे करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो के लिए कैमरामैन संजीत भाई हैं, क्योंकि कैमरा वही आज रिकॉर्ड करें कैमरा से। तो दोस्तों, आज आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हम बाइसाइकिल की सर्विस क्यों करते हैं, बाइसाइकिल की सर्विस ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, अगर आप अपनी बाइसाइकिल की सर्विस करोगे ना जब, तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आपको चलाने में नई वाली फील आएगी। और साथ साथ दोस्तों, जो ये अपना शॉकर सीज होने का होता है थोड़ा प्रॉब्लम, वो भी नहीं होगी कभी भी आपकी बाइसाइकिल के अंदर। मैं अपनी बाइसाइकिल को काफ़ी समय से सर्विस करता आ रहा हूँ और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको 2.5 साल हो गए लिए हुए। तो चलिए, अब अपनी बाइसाइकिल को सर्विस करके दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए दोस्तों, एक बार बाइसाइकिल देख लो कितनी गंदी हो रखी है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, अभी आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी चेन से। तो चेन साफ करने के लिए आपको दो पुराने ब्रश चाहिए। दो पुराने ब्रश ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट भी बता देता हूँ आपको मैं। पहले अगर आपके पास ब्रश है तो आप इन दोनों ब्रश को एक टेप से जोड़े। तो अभी मैं आपको जोड़ कर बता देता हूँ कैसे। आपको क्या करना है कि आपने दोनों ब्रश लेने हैं और इन दोनों को ऐसे करके आपने चेन के साथ लगा देना है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि हमने चेन को इसके बीच में लॉक कर दिया है और ये हमारा एक टूल बन गया है जो अपनी चेन को साफ करने के काम आएगा। और फिर आपको यहाँ से पकड़कर इसको उल्टा घुमा देना है। उससे क्या होगा कि आपकी चेन है जो साथ साथ साफ होती जाएगी, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको साफ कर लें। साफ करनी है उसके लिए आप एक क्लॉथ ले लीजिए। ये भी सब्स्टिट्यूट है बट ये उतना से साफ नहीं करेगा। तो ये भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ये आपने चेन के पास लेकर जाना है अपने क्लॉथ को और आपने उसको ऐसे कर इसको उल्टा रोल कर लेना है। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे रख कर आपको ऐसे बंद कर लेना है और उसके बाद आपको चेन को ऐसे कर आप चेन को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा डर्ट इसके साथ निकल गई है। तो दोस्तों, आप इसको भी कर सकते हैं और आपको के पास अगर ब्रश है तो भी आप इसको एक बार कर लें। तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये साफ हो जाएगी चेन। तो अभी मैंने ये अपनी चेन साफ कर दी है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये जो डर्ट है ये सारा चेन से निकला है। ये चेन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पार्ट को साफ़ करना है जो चेन का हमारा सॉकेट है पीछे वाला, और यहाँ फ्रंट से भी इसको साफ़ करना है। ये भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आपको पीछे वाला सॉकेट और फ्रंट सॉकेट साफ़ करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो कि ऐसा दिखता हो, आप देख लो। और उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आ जाइए इधर। अभी आप देखते हो, आपको इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है और इसको फिर आपको अपनी बाइसाइकिल की चेन को अपने मूव कर देना है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से अगर आप जैसे मूव करते जाएंगे और आप देख सकते हैं ये जो डर्ट है ये सारा डर्ट निकला है इसमें से। अभी इतना सा करने पे ही अभी आप देख सकते हैं हम सारा करेंगे और उसमें से काफ़ी सारा डर्ट आपको देखने को पक्का मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अभी इस ड्राइवर से फ्रंट वाला इसको ठीक करना है। दोस्तों, आप इस साइड से भी, आप जो लेफ्ट साइड है इससे भी आप यहाँ से आकर इसको साफ कर सकते हैं। तो अभी हम इस वाले को साफ करके दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चेन के नीचे बिल्कुल आपको अपने स्क्रू ड्राइवर को प्लेस करना है कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है और उसके बाद आप इसको घुमाते जाइए। तो ऐसे करके ये बहुत सारा डर्ट निकाल देगा बहुत ईजिली। तो आप देख सकते हैं नीचे, देख लीजिए कितना सारा डर्ट गिरा है। तो ये सारा डर्ट इसके साथ निकलता जा रहा है। आप इसे रेगुलरली अगर अपने बाइसाइकिल को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा आपका शॉकर। दोस्तों, करना क्या है कि आपको क्लॉथ लेना है और उसको अपने शॉकर के नीचे जो ये एरिया है यहाँ से आपको
लेकर और इसको फिर ऐसे कर आपको यहाँ ले आना है और इसको ऐसे करके आपको अच्छे से साफ कर लेना है। तो ये बहुत इजीली साफ हो जाएगा आपका चॉकर। और फिर आपको इस क्लॉथ को लेकर आगे से भी इसको ऐसे करके साफ कर लेना है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा साफ हो चुका है। दोस्तों मैं ये मानकर आपको सिखा रहा हूँ कि आपको बाइसाइकिल वॉश करनी आती होगी, तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपको अपनी बाइसाइकिल को वॉश कर लेना है। तो बाइसाइकिल वॉश करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है, तो अभी बाइसाइकिल वॉश करके मिलता हूँ। दोस्तों अपनी बाइसाइकिल को वॉश करना है, उसके लिए कभी भी आप पाइप से वॉश मत कीजिए बाइसाइकिल को, वो बाइसाइकिल को बहुत ज्यादा हार्म करती है। पानी उसके ऊपर सीधा मत फेंकिए, आप एक स्प्रे बॉटल यूज कर सकते हैं और एक क्लॉथ यूज कर सकते हैं, उससे आपकी बाइसाइकिल बहुत जल्दी भी साफ हो जाएगी और पानी की वेस्टेज भी कम होगी और आपकी बाइसाइकिल कोई भी हार्म नहीं होगी। दोस्तों बाइसाइकिल वॉश करने से पहले जैसा आपको सबको पता है कि अपने जितनी भी एक्सेसरीज है सबको उतार लो, तो मैं जल्दी से उन्हें उतार लेता हूँ, उसके बाद बाइसाइकिल वॉश कर देता हूँ। तो बाइसाइकिल वॉश करने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों जिस हाथ के ऊपर आपने ग्लव डाला है उसके ऊपर आप ऑयल डाल लें, और जिस तरीके से मैं अपनी चेन को ल्यूब्रिकेट कर रहा हूँ वैसे ही आप भी ल्यूब्रिकेट अपनी चेन को ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने ग्लव नहीं भी पहना है तो भी आप इसको कर सकते हैं, तो आपके थोड़े हैंड्स गंदे हो जाएंगे, बट आप इसे ज़रूर कर सकते हैं ट्राई। और अगर आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं और ग्लव्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी चेन के ऊपर आप ऑयल डाल सकते हैं, बट ये बेस्ट तरीका है, तो मैंने ये इसी तरीके से कर रहा हूँ मैं। हमने चेन में ऑयलिंग कर ली, अब हम चॉकर में ऑयलिंग करेंगे। चॉकर में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑयलिंग यहाँ पर ही करनी है, और यहाँ पर करोगे तो ये अपने आप पूरा चॉकर के अंदर चली जाएगी। इसी करके आप छोड़ दें और दूसरे चॉकर में भी आकर कर लें, ऐसे ही दूसरे चॉकर को ऐसे रख लें और ऐसे कर लें, तो ये अपने आप ही ग्रेविटी की वजह से चला जाएगा। और बस फिर आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपने आना स्टेम की साइड। दोस्तों स्टेम की साइड भी आपको ऑयलिंग थोड़ी थोड़ी यहाँ पर करनी है, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टेम है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और यहाँ पर, और फिर आपके बाइसाइकिल कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ऑयल आपकी बाइसाइकिल पर भी गिरेगा, लेकिन आप उसे क्लॉथ से साफ़ कर लें। दोस्तों अपने ऑयल जो यहाँ पे साइड में गिर गया साफ़ कर लो, और इस ऑयल की वजह से आपकी बाइसाइकिल में शाइन भी आ जाएगी, तो कोई घबराने की और टेंशन वाली बात नहीं है। और दोस्तों जैसे आप अपनी बाइसाइकिल को यहाँ से बाइसाइकिल चॉकर में करोगे, अगर आपकी चॉकर के अंदर डर्ट होगी जैसे मेरे चॉकर के अंदर है, तो ये जब आप इसे यूज़ करोगे तो यहाँ पर यहाँ तक आपको चॉकर थोड़ा गंदा हो जाएगा। अपना क्लॉथ यूज़ करके आप उसे डेली साफ़ करो, उससे क्या होगा कि आपका चॉकर के अंदर डर्ट भी निकल जाएगी। और दोस्तों चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके बाइसाइकिल की ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे जल्दी से ठीक करना है। दोस्तों अब ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों के दोनों दिखाऊंगा कैसे करते हैं। आप यहाँ पे इस नट देख सकते हैं, ये नट को आप इसे टाइट करना है, तो आप इसके लिए एक कटिंग प्लायर यूज़ कर सकते हैं और उससे आप इसको लूज़ कर लें पहले। और दोस्तों इसको लूज़ करने के बाद आपको करना है कि अपनी जो वायर है इसको पुल करना है, या फिर जो आपका जहाँ पे नट लगा है इस चीज़ को आप पुश कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में था ये और इसे हमने ऐसे करके पुश कर दिया, और इसको फिर आपने यहाँ से होल्ड करके नट टाइट कर देना है। और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा पुश मत करें, वरना आपको बाइसाइकिल मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आप थोड़ा सा पुश करते हैं जैसे मैंने किया तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और आप इसको टाइट कर लें। एलकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फ्रंट डिस्क ब्रेक को मैं अभी करके दिखाता हूँ एलकी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नट है आपको मेनली इस नट के ऊपर ध्यान देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नट की तरफ, तो इस नट से ही आपको ब्रेक ठीक करनी है। तो आपको एलकी से इस नट को क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा लेना है, और ज़्यादा मत घुमाइएगा वरना आपकी डिस्क लॉक हो जाएगी। तो ऐसे आप कर लें तो आपकी ये वाली ब्रेक भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आउटरो शूट करना भूल गया था, तो अभी कर रहा हूँ, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पुरानी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।